अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज पीडिया की दिलचस्प सवालात की सीरीज़ में खुश आमदीद। सवाल नंबर एक, अल्लाह ताला के कितने फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं? आपके ऑप्शन हैं एक फरिश्ता, बी दो फरिश्ते, सी तीन फरिश्ते, डी चार फरिश्ते। सही जवाब है डी चार फरिश्ते। सवाल नंबर दो, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए लोहार का, बी तांबे का, सी खेती बाड़ी, डी कपड़े का। सही जवाब है ए लोहार का। सवाल नंबर तीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे पहले किस नबी का जिक्र फरमाया? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर चार, गुसल में जिस्म पर कितनी मरतबा पानी बहाना फ़र्ज है? आपके ऑप्शन हैं ए तीन मरतबा, बी चार मरतबा, सी सात मरतबा, डी आठ मरतबा। सही जवाब है ए तीन मरतबा। सवाल नंबर पाँच, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस सहाबी की मदद के लिए आते थे? आपकी ऑप्शन हैं ए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सी हज़रत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, डी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सही जवाब है सी हज़रत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल नंबर छः, कुरान मजीद में पीने की सबसे अजीम चीज़ किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए दूध, बी शरबत, सी पानी, डी जैतून का तेल। सही जवाब है ए दूध। सवाल नंबर सात, किस नबी के ज़माने में शराब इजाद हुई थी? आपकी ऑप्शन हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर आठ, सबसे पहले जुमा की नमाज किस सहाबी ने पढ़ाई? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बी हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, डी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सही जवाब है बी हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल नंबर नौ, क़यामत के करीब किस नबी के बच्चे इस दुनिया में आएंगे? आपकी ऑप्शन हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
सही जवाब है सी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले इस दुनिया में आएंगे और वो शादी करेंगे और उनके बच्चे भी होंगे। सवाल नंबर 10, औरत में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है जिसे देखकर शादी करनी चाहिए? आपकी ऑप्शन है ए आँखें, बी दिल, सी शर्म हया, डी तालीम। सही जवाब है सी शर्मो हया। सवाल नंबर 11, कितने दिन घर बंद रखने से उसमें जिन आ जाते हैं? आपकी ऑप्शन है ए 33 दिन, बी 13 दिन, सी 90 दिन, डी किसी भी वक्त आ सकते हैं। सही जवाब है डी, किसी भी वक्त आ सकते हैं। सवाल नंबर 12, कौन सा जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मार रहा था? आपकी ऑप्शन है ए गिरगिट, बी फाख्ता, सी चील, डी कौवा। सही जवाब है ए गिरगिट। सवाल नंबर 13, जन्नत में हर जन्नती को कितने खादिम मिलेंगे? आपकी ऑप्शन है ए 20,000, बी 30,000, सी 50,000, डी 80,000। सही जवाब है डी 80,000। सवाल नंबर 14, जोहर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी थी? आपकी ऑप्शन है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये तमाम सवालात मुस्तनद इस्लामी कुतुब से लिए गए हैं, अगर आपको हवाला दरकार हो तो आप तलब कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा।